ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੱਸਟ ਬਣਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਜੋ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਟਿੰਗ ਹਮਨੇ ਜੋ ਗਲੈਪ ਸੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿ Alex, and you are sporting? Pakistan! सो गाइज़ अज्ज दी वीडियो दे विच देखांगे कि पाकिस्तान जो मैच हारी है पर जिस तरीके नाल हारी है कि शेरां दी तरह मर्दां दी तरह वह हार के भी जित्ते है क्योंकि उन्होंने बहुत सोहनी टक्कर दिती है, खड़े रहे, डटे रहे, अड़े रहे, लड़ते रहे है। सो इंडियन मीडिया का की रिएक्शन है, इंग्लैंड के लोगों का की रिएक्शन है, जिहड़े इंग्लैंड के फिरंगी लोग ने उन्हां दा की रिएक्शन है, पाकिस्तानी लोगों का की रिएक्शन है, मोमिन साकिब का की रिएक्शन है, कुछ इदां दी वीडियोज़ अज्ज वीडियो विच कवर करांगे। सो सारे जणे वेखियो जरूर बिल्कुल एंड तक, छोटी जी वीडियो वेखी, ज़्यादा वड्डी नहीं, जस्ट अपने 10 मिनट अज्ज दी इस दी वीडियो नूं दो ते चैनल अपना सबसक्राइब कर लो, डू हिट दैट सबसक्राइब बटन एंड प्रेस द बैल आइकन एज वैल तां जो नोटिफिकेशन तुहाडे फोन उत्ते तुहानूं मिल जाए, जे ना भी मिले तां अपने चैनल नूं हर रोज़ खोल के देख लिया करो क्योंकि हर रोज़ बहुत सारी वीडियोज़ आ रही तो सिर्फ एंड जे लोग पसंद कर रहे, थैंक यू सो मच, सारियां नू लव यू आ, बाकी ट्रक भर भर के प्यार है। इंस्टाग्राम भी जाके चैक कर सकते हैं पंजाबी रील टीवी, उत्थे आप गल्लां बातें भी जिहड़ियां करांगे, ठीक है। सो वीडियो करते बिना किसी तो शुरू, लास्ट वीडियो देखी सी बई उहदे विच भी जिहड़ी इंडियन मीडिया सीगी नैशनल टैलीविजन ते उन्होंने ताड़ियां लगाईआं सी इसे लई, पर उहदे नाल ही कुछ इदां दी मीडिया भी है जिहड़ी, चल छड्डो यार पॉजिटिविटी की गल करते हैं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जो आई थिंक जो लगातार टीम को लेकर चले थे कुदरत का निजाम भाई, देखो आप आज आते हो जैसे वो बोले थे कि भगवान ऑब्वियसली बात है आपकी मदद करता है, लेकिन एमएस धोनी का मुझे बोला जो याद आता चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने कहा था, गॉड इज नॉट कमिंग टू सेव अस, इफ यू वांट टू विन द ट्रॉफी वी हैव टू फाइट इट आउट, वी आर द नंबर वन रैंक आउटसाइड, लेट मेक देम फाइट फॉर 130। मतलब यार देखो आप चीजें कई बार क्या होता है सिर्फ छोड़ देते ऊपर वाले, भाई आप अपना काम करो, आपने बैटिंग आज ऊपर वाले के भरोसे, वही आज आपने बैटिंग आज ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दी थी, ये दो देखो वह गल मीम्स है यार, वो लोग बनाते हैं है ना, वो लोग ऑडियंस है, ऑडियंस कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने हक है, ठीक है, जन्म सिद्ध अधिकार है उन्होंने, कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी ट्रोल कर सकती हैं, कुछ वायरल कर सकती हैं। सो कुदरत का निज़ाम वाली गल इन्नी ज़्यादा सीरीयसली नहीं लैनी चाहिए, बिकॉज आखिर दी ते जिहड़ा बंदा डिजर्व करेगा जिहदी ज़्यादा नैट प्रैक्टिस है, जिहदी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उही जितेगा, सो इट्स अ गेम, नो ऑफेंस। ये दोनों चीज़ यार आप जो बिलीव भी करते हैं दोनों एक ही चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान फाइनल हार गया है, इसी तरह पाकिस्तान एशिया कप का भी फाइनल हार गया था। दोस्तों पाकिस्तानी बॉलिंग हमेशा से अच्छी रही है और हमेशा हमें ये फाइनल तक पहुंचाती रही है, एक साल में हम दो फाइनल हार गए, एशिया कप का भी फाइनल हार गए और T20 वर्ल्ड कप का भी हम फाइनल हार गए, हमारे यहाँ रन ही नहीं थे। आप खुद सोचिए कि इंग्लैंड जैसी टीम जिसके पास इतनी स्ट्रांग बॉलिंग और बैटिंग है वो 137 का रन नहीं बना सकी, जिनके लिए मैच हलवा था, लेकिन जहाँ पर हमारे बॉलर ने अपनी जी जान लगा दी उनके लिए तारीफ बनती है। हम अपने बॉलर के लिए कहते हैं कि उन जैसा बॉलर दुनिया में कोई नाइस नहीं, नहीं उन जैसी बॉलिंग इंग्लैंड के पास थी ना ही किसी और के पास। पाकिस्तान के बॉलर्स काफी इंप्रूव कर चुके हैं एंड इस बार जो पाकिस्तान की टीम है काफी अच्छी टीम है। हमारे अगर बैट्समैन थोड़ी सी भी अकल कर जाते या फिर थोड़ा सा काम कर लेते अपनी बैटिंग पे बैठते, अल्लाह भी उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है, तो आज जीत हमारी होती है। 180 रन 170 रन आपको कोई नहीं कहता, कम से कम आप 150 रन तो करो, कोई पता तो चले किसी टीम ने किया है। दोस्तों पाकिस्तान के इस मुश्किल मरहले में भी आज भारतीय मीडिया ने हमारे दिल जीत लिए हैं दोस्तों, चलो शुक्र है पाकिस्तान वालों ने कुछ पसंद आया, टैपिंग की जो आपने देखा शुरू में इससे उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। ये मौका ऐसा था कि जिससे पाकिस्तानी आज काफी नाराज है क्योंकि छोटा मैच हमने नहीं हारा, हमने एक वर्ल्ड कप हारा है और इतनी मुश्किल से हम यहाँ पर पहुंचे थे, हमने ना ही अपने मुल्क लोगों को खफा किया बल्कि हमने नेदरलैंड की टीम को भी खफा किया है पाकिस्तान गया ही नहीं यार किसी का फाइनल में पहुंचाया था। दोस्तों आपको स्पोर्ट्स जारी के बारे में बताते हैं, उन्हें भी मुलाहजा करें। अपन लोगों ने बोला कि कैच अच्छा लिया, कैच तगड़ा लिया है, बट वो ये कि बहुत ज्यादा आसान नहीं रहता कि आप आ जाओ और एक बड़े गेम में आकर स्कोर कर दो, इसीलिए शायद धोनी की जो पारी है जहां पर उनके पूरे टूर्नामेंट में रन्स नहीं थे वो स्ट्रगल कर रहे थे और आते फाइनल में एक डिसीजन देना और डिलीवर कर देना, इसीलिए उसको लोग अलग उसमें रखते हैं, तो ये तरीके की चीज कर जाना मुश्किल होता इंग्लैंड के लिए, बट बहुत ये हो गया था कि रन बहुत ही कम थे और उसके बाद में मैच बन पाना मैच पावर या चलो मतलब सारियां वही गल्लां यार कि स्कोर कट सी मे बी थोड़े स्कोर ज्यादा होंदे शाइन दे चोट ना लगदी रन आउट हो लेंदे फील्डिंग थोड़ी होर बेहतर हो जांदी तां जां स्कोर जिहड़े बैटर सी जिहड़े ओह वधिया खेल लेंदे तां मे बी गेम कुछ होर होणी सी, पर फिर भी बॉयज बहुत वधिया खेडे, टेंशन नहीं लैणी, अगली वीडियो देखदे हां कीड़ी आ जाओ।
मोमिन साकिब का रिएक्शन देखते हैं की है। हमें अब रन के बारे में नहीं सोचना, रन रेट इज नॉट अ क्वेश्चन, विकटे हमें सिर्फ विकटे चाहिए। हारे सिर्फ ठीक पेस करवा रहा है शाहीन ने, इसी तरह एक दो विकटे ले ली तो हम जीत जाएंगे। आप देखें इस वक्त रन रेट पे तो विकटों पे गेम हमारे पास हो सकती है, और कुछ भी करो दुआ करो इस वक्त, सब दुआ करो हमें दुआ। इन बिटवीन द मैच से ये वीडियो है, कितों की वेखन डे यार मैच चल रहा है, उनकी मैच देखो, मैच देखो उनकी, मैच चल रहा है भाई, उठो यार मैच देखो यार। जब बंदे की नसीब सो रहे हो, किस्मत ही सो रही हो, तो फिर मेरा उठने का क्या फायदा है। पिछे सैड म्यूजिक लगाया, सही है वीरे तू आस्ट्रेलिया नहीं गया, नहीं तो एवं सारे ने तेरे ते नाम ला देना सी मेरे भरा कि ये बंदे ने जड़ा मैच हराया, ठीक है, क्योंकि जदों ये उतों गया पाकिस्तान जित गई सी। मुझे भी सोने दो। कोई ना भरा हौसला रख यार, हौसला रख, हो जाता कई यारी। सो बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सी उहदे विचों छोटी जिही एक वीडियो है, देखते हैं कि उन्होंने की रिएक्शन रहा हारन तो बाद। मैं और रिजवान आउट हुए, उसके बाद फिर पार्टनरशिप एक लगी, उसके बाद शान और शदाब ने एक पार्टनरशिप बिल्ड की, लेकिन मेरे ख्याल से शान के वधिया खेले बाद बैक टू बैक विकटें गिरी हैं, जिसकी वजह से प्रेशर टीम पे आया। देखें मेरे ख्याल से हम एज अ टीम और मेरे ख्याल से हमने जो क्लैप्स हुई है उसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो एक मिनट सॉरी 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 थोड़ा मैं बैक करूंगा, किस लिए मैच आ रहे क्लैप्स हुई है उसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं, सॉरी वापस। हम एज अ टीम और मेरे ख्याल से बैटिंग हमने जो क्लैप्स हुई है, ओके ओके, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पिरिट कि उन्होंने जो लोगों को लगता है एंड टीम नू जां टीम दे कैप्टन नू भी उही चीज लग रही है कि हाँ कि यार साड़ी एक गलती सी, एंड ये चीज़ पब्लिकली प्रेस दे विच एडमिट करनी आई थिंक जिगरे वाली गल है यार। एंड बाबर आजम रिजवान दोनों ही बहुत वधिया प्लेयर्स ने, बहुत अच्छा खेडते हैं, लक की गल हुंदी है कई यार वो चीज़ तुहाडी नहीं कम करती उत्थे, ठीक है, बट उही मैं लास्ट वीडियो भी कहा सी कि काश किते यह टॉस जीते आंदे ना तो मे बी उते कुछ और होना सी, पहला यह बॉलिंग करते बैटिंग ना करते वजह से हम मैच आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो आज की परफॉर्मेंस थी वो मेरे ख्याल से टीम अप टू द मार्क नहीं थी। हेलो बाबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबर, मैं उमेश बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान से। तो बाबर मेरा एक सवाल ये है कि इंडिया के साथ आपका काफी क्लोज मैच गया, उसमें टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, आज के मैच में भी बॉलिंग अच्छी थी आपकी, लेकिन दोनों मैच आप क्लोज जाके हारे, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नर्व्स या प्रेशर में नर्व्स होल्ड करने में दिक्कत आ रही है, या टीम प्लेयर को मैनेज नहीं कर पा रही, ऐसा कैप्टन आप अपने आप में कहीं कुछ चीजें एक्सेप्ट करना चाहेंगे ऐसा कुछ? हाँ देखें, एज अ कप्तान मैं यही एक्सेप्ट करता हूँ कि एज अ टीम हम नहीं अच्छा खेले, और बैटिंग जिससे जैसे हमें करनी चाहिए थी वैसे हमने की नहीं, और क्लैप्स हुए हैं जिसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं। तो अब एज अ कैप्टन किस तरह आप देख रहे हैं अपनी टीम की आगे की प्रोग्रेस को, इस शिकस्त से कितना धचका लगा है? हाँ देखें, एज अ कप्तान मैं यही एक्सेप्ट करता हूँ कि एज अ टीम हम नहीं अच्छा खेले, और बैटिंग जिससे जैसे हमें करनी चाहिए थी वैसे हमने की नहीं, और ओके सो वही गल है, बट आई थिंक जी जो थोड़ी मतलब परफॉर्मेंस रही है ना पाकिस्तान की टीम वो मायने रखती है, आई थिंक आने वाले मैचों के जो परफॉर्मेंस है जो कॉन्फिडेंस है लोगों का जो थोड़े प्रति ट्रस्ट बनया, आई थिंक वो तुम बहुत वधिया गेन किया, एंड उसका जो इंपैक्ट है तुम्हें देखने को मिलेगा अगले जो आने वाले मैचों के। सो नैक्सट वीडियो देखते हैं कि फॉरन गर्ल्स मतलब इंग्लैंड के कुछ जो नागरिक है उन्होंने की कहना है बारे। So you are sad on Pakistan defeat? I'm so depressed. I want to die. We're also sad. I'm very sad. What is this for? Ali. Is this YouTube? No, you're part of the team. Oh, he no, is. Listen. We're here for our Desi brothers, you know? Yeah, and I'm so yeah, sad. If India's not going to beat England, Pakistan should have. But it's okay. या मैं अगे तुम्हें दस्या सीगा कि लोगों की यही जी एक परसैप्शन बनी है मन च कि जेकर पाकिस्तान नहीं हरा पाया तो सॉरी जे इंडिया नहीं हरा पाया तो पाकिस्तान हरा ले वर्ल्ड कप जरा अपने एशिया च ले आवे, बट वो नहीं हो सकिया। I was very close. They were doing very well at the beginning, but then they lost and I was pretty sad. They know. Okay, so ek aur video dete hain aaj. Oh ho ho.
सही है। सो गाइस ये सी आई थी एक वीडियो यार जी मैं थोड़े लिए इकट्ठिया की कुछ वेखन होप्स तो तुम इंजॉय किया होना। सो इंजॉय ना भी किया इंजॉय तो एक्चुअली किया होगा क्योंकि यार पाकिस्तान टीम चाहे हारी है बट बहुत वधिया खेड के हारी है। वो जी हार है ना वो जित दे बराबर ही है। जस्ट एक फर्क है ना कि बस जरा जो वर्ल्ड कप आ इतने नहीं आया पाकिस्तान च नहीं पहुंचा बट फिर भी आई थिंक जेडे पाकिस्तान की टीम ने काफ़ी सारे लोगों का जरा दिल जितया। सो दैट्स इट आई थिंक बहुत सारिया वीडियोज़ अपन आ चुकी ऑलरेडी मैच से कल के मैच के बारे तीन वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चौथी वीडियो है जिन्होंने पिछलिया तीन वीडियो नहीं देखिया जाके देख लो इंजॉय करो एंड हूँ आप जो रेगूलर वीडियोज़ वो अपलोड करा क्योंकि बहुत टाइम हो गया सारे जने क्रिकेट नहीं देखते। सो उन्होंने सारिया तो खिमा यार सॉरी कि बड़े दिन हो गए बाकी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही बट हूँ जो बाकी वीडियोस अपलोड भी हो गया एंड मे बी जेकर कुछ कोई गलबात आँगी क्रिकेट की तो एक अद्धी वीडियो जी क्रिकेट की भी आएगी। सो बाकी वीडियोस भी हूँ रेगुलर अपलोड होगी अपने दोनों चैनलों पर। सो देखो इंजॉय करो दोनों चैनल अपने सबसक्राइब कर लो पंजाबी रील टीवी पंजाबी रील टीवी एक्सट्रा ठीक है जी। सो मिलते हैं तुम्हें किसी होर वीडियो तुम्हें बस सबसक्राइब करके जाना इंस्टाग्राम चैक कर लो उत्थे भी आप गल्लां पता करेंगे। सो मिलते हैं किसी होर वीडियो बाकी कमेंट जरूर करके जाओ। सत श्री अकाल।